वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टली एक्टिंग सिंपथोमेमेट्री ड्रग्स पर जोर्स में भी कौन सी क्लास में नॉन कैटेकोलामिन्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डायरेक्टली एक्टिंग सिंपथोमेमेट्री ड्रग्स में जो कैटेकोलामिन्स हैं वो कर ली हैं, अभी जो है ना नॉन कैटेकोलामिन्स करेंगे। ठीक होगा जी। अब जो नॉन कैटेकोलामिन्स होते हैं वो बेसिकली मतलब उनको हम पढ़ते हैं एज अ सिलेक्टिविटी के हिसाब से, मतलब ये अल्फा सिलेक्टिव है या अल्फा वन है, अल्फा टू है, बीटा टू है, मतलब इसके हिसाब से ना पढ़ते हैं। कि अगर पहले हम बात करें अल्फा सिलेक्टिव की, अल्फा सिलेक्टिव, ठीक है, ऐसे आसानी होगी ना याद करने में। अब अल्फ़ा सिलेक्टिव में मतलब क्या है कि ये अल्फ़ा वन पे भी काम करेंगे और अल्फ़ा टू पे भी काम करेंगे, दोनों पे, ठीक है, ये अल्फ़ा सिलेक्टिव है। इनमें पहले जो ड्रग आती है वो उसको उसका नाम है ऑक्सीमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक हो गया जी। अब ये इसका जो यूज़ है वो है एज अ नेज़ल डीकंजेस्टेंट, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स में ये यूज़ होती है। अब देखें कैसे होती है, अब देखें क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो अल्फा वन पे है तो ये क्या करवाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी। वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो जब आर्टरीज कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो नेजल डीकंजेस्टेंट मतलब नोज ना मतलब बंद है, उसमें जो म्यूकोजा वगैरह है वो मतलब उसमें जो फ्लूड है वो भर गया है। तो अब जब आर्टेरियल सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई कम होगी तो वो फ्लूड कम हो जाएगा, तो मतलब वो नेजल डीकंजेस्टेंट हो जाएगी, तो इसलिए वो वेजो कंस्ट्रक्ट करवाएंगी। तो नेजल डीकंजेस्टेंट हम यूज़ करते हैं उनको, मतलब उनका ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो जो फ्लूड बन रहा है वो कम बनेगा, ठीक हो जाए, नेजल डीकंजेस्टेंट हो गई। अगर हम इसकी आई की बात करें तो ये आई में भी यूज़ होती है, ठीक है, आई में ड्रॉप्स की तरह यूज़ करते हैं हम टू रिलीफ रेडनेस ऑफ आइज, क्योंकि देखें रेडनेस से मतलब ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई तो वेजो कंस्ट्रक्शन है तो ब्लड सप्लाई कम होगी, तो रेडनेस ऑफ आइज, ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड विथ स्विमिंग की वजह से मतलब आइज रेड हो जाए उनमें, कोल्ड एंड कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से जो आइज रेड हो जाती हैं उनमें ये हम ऑक्सीमेटाजोलिन करते हैं जैसे रेडनेस कम हो जाए। ये थी अल्फ़ा सिलेक्टिव ऑक्सीमेटाजोलिन। अब उसके बाद जो दूसरा क्लास है वो है अल्फ़ा वन सिलेक्टिव ड्रग्स, ठीक हुआ जी। अब जो अल्फ़ा वन सिलेक्टिव है उनमें जो पहली पहली ड्रग है वो है फिनाइलेफ्रिन। कौन सी ड्रग है? फिनाइल एफ्रीन। इसका जो प्राइमरी रिएक्शन होता है वो होता है अल्फ़ा वन रिसेप्टर पे, ठीक है। अब अल्फ़ा वन पे इसका काम है तो अल्फ़ा वन किस पे होते हैं? वेजल्स मौजूद होते हैं जो ये क्या करवाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी। जब वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी मतलब उसमें वीनो कंस्ट्रक्शन भी है एंड आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन भी है। इसमें अल्फ़ा वन का जो हमने पढ़ा था उसमें अल्फ़ा वन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्फ़ा वन रिसेप्टर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो काइंडली देख लें। उसमें देखिए हमने किया था किसे ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवा रही है, दोनों डायस्टोलिक भी एंड सिस्टोलिक भी, तो ये मतलब क्या करवाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी। उसके जैसे क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ेगा एंड द डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ेगा, ठीक हो गया जी। ये अब देखें जब बढ़ रहा है तो ये एक और दूसरी काज करवाती है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारा एक बॉडी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हमारा बेरोसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जब बेरोसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी मेडुला में जो कार्डियो इनहिबिटरी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, फिर हमारी जो है ना एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है मतलब पैरासिम्पेथिक एक्टिविटी हो जाती है, तो हमारी हार्ट जो है ना हार्ट बीट स्लो हो जाती है मतलब ब्रेडी कार्डिया काज करवाती है। तो ये क्या करवाएगी, रिफ्लेक्स ब्रेडी कार्डिया काज करवाएगी, ठीक हो गया जी। अब ये यूज़ होती है किसमें, इन द पैरोक्सिमल, ठीक है। अब पैरोक्सिमल का है मतलब रैपिड, मतलब जल्दी हुआ फिर ख़त्म हो गया जल्दी, इसका पैरोक्सिमल है। ये यूज होती है पैरोक्सिमल सुपरावेंट्रिकुलर, सुपरावेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के ऊपर, ठीक है, वेंट्रिकल मतलब एट्रिया में, सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ होती है, बिकॉज देखें इसका रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया करवा रही ना, तो जब रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया करवाएगी तो एट्रिया की जो है वेंट्रिकल कम हो जाएगी, मतलब एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो पैरोक्सिमल सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया के थ्रू ये काम करती है फिनाइलेफ्रिन, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है, मतलब प्रॉक्सिमल मतलब इंटरमीडिएट झटके लगेंगे, सुपरावेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल क्या वो टैकीकार्डिया हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये भी नेजल डीकंजेस्टेंट में यूज़ होती है, ठीक है, ड्यू टू अल्फा वन प्रॉपर्टी नेजल डीकंजेस्टेंट हैं ये भी, ठीक है। अगर टॉपिकली हम यूज़ करें इसको, टॉपिकली या ओरली अगर यूज़ करेंगे तो ये इज अ नेजल डीकंजेस्टेंट है। और एक पॉइंट हमने पहले भी पढ़ी थी कि फिनाइलेफ्रिन क्या करवाती है, काज मिड्रियासिस करवाती है विदाउट साइक्लोप्लेजिया,
ठीक है, क्योंकि ये जो डायलेटर पिपली होती है मसल उस पर काम करेगी और उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो हमारी पिपल डायलेट हो जाएगी, बट सीलियस मसल पे काम नहीं करेगी, तो विदाउट साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, सेमी पॉइंट है सारी। अब अगर उसके बाद इसमें इस क्लास में दूसरी हम ड्रग देखें वो है मिडोड्रीन। ठीक है, मिडोड्रीन भी जो है ना अल्फा वन सेलेक्टिव है। क्या है? अल्फा वन सेलेक्टिव है। अब जो ये जो है ये प्रो ड्रग है एक। ठीक है, ये एक्टिव किस में होती है जब बॉडी में आती है? उसका नाम है डी डीसाइल डेस्गलाय मिडोड्रीन। ठीक है, मिडोड्रीन डेस डेस डेस्गलाय, ये जी है ना। ठीक है, डेस्गलाय मिडोड्रीन, डेस्गलाय मिडोड्रीन में कन्वर्ट होती है, ये एक्टिव फॉर्म है, और ये यूज़ किस में होती है? आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन में। ठीक है, अब देखें हाइपोटेंशन। अब जो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, देखें इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा, अब जब हम उठते हैं आर्थोस्टेटिक मतलब आप लेटे हुए पहले, फिर अब जब उठ रहे हैं मतलब जैसे ही बंदा कोई उठता है तो उसका जब अगर बीपी ड्रॉप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। बेसिकली क्या होता है, हमारे नॉर्मल व्यक्ति जब हम उठते हैं बेड से या मतलब सोए सुपाइन पोजीशन से ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, हमारी ग्रेविटी के जैसे जो बॉडी मतलब जो ब्लड है हमारी वो नीचे पुल होती है, तो हमारा बीपी क्या होता है सडनली ड्रॉप हो जाता है। बट हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है कि जब भी थोड़ा भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमारे जो बेरोसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, तो वो क्या करवाते हैं रिफ्लेक्सली ब्लड प्रेशर जो है ना ऊपर करते हैं और मेंटेन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल। बट किसी किसी बंदों में क्या होता है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती, मतलब जो रिसेप्टर है मतलब सिंपैथेटिक जब फायर करेगी, बेरोसेप्टर एक्टिवेट होंगे, सिंपैथेटिक फायर करेगी तो जब वेजल्स की तरफ आएगी वो फायर, तो उसमें मतलब रिसेप्टर इतने ये नहीं होते, मतलब उनमें कोई मतलब पैथोलॉजी होती है तो वो कंस्ट्रिक्शन वेजल्स नहीं हो पाती, तो उनमें ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाता है। तो उनको ट्रीट करने के लिए हम मेडोडिन देते हैं, क्योंकि अल्फा वन सेलेक्टिव है, वेजल्स पे अल्फा वन होते हैं, जब ये स्टिमुलेट होंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, तो ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा हमारा और मेंटेन रहेगा। ठीक है, ऐसे होती है यूज़। और अगर उसके बाद हम बात करें अल्फा टू सेलेक्टिव की, अल्फा टू सेलेक्टिव ड्रग्स की बात करें हम, तो अल्फा टू सेलेक्टिव में पहले है क्लोनिडीन। कौन सी ड्रग है? क्लोनिडीन। ठीक हुआ जी। अब जो क्लोनिडीन है वो मोस्टली बेसिक होता है कि विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज अ सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, वो जो है ना ये है। ठीक, क्लोनिडीन। अब कैसे ये कहाँ काम करती है, क्या है ये? सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, ये हाइपरटेंसिव एजेंट है। ठीक हुआ जी। अब देखें क्या होता है कि ये क्या है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, और ये क्या है, ये पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन है। हमने अल्फा टू रिसेप्टर पढ़े थे कहाँ मौजूद होते हैं, ऑटो रिसेप्टर ऑटो इनहिबिटर होते हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी, ठीक हुआ जी, जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी तो इन पे स्टिमुलेट करेगी तो ये इनहिबिट हो जाएंगे और फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ब्लॉक हो जाएगी। तो जब हम क्लोनिडीन देंगे, क्लोनिडीन क्या है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, जब इस रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन की जो सिक्रेशन है मतलब रिलीज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन द सीएनएस। तो उस वजह से जो हमारा मेड्यूला में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उधर से एक्टिव हाइपोथैलेमस उसको सिग्नल देता है पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे के थ्रू मेडुला में आता है, फिर मेडुला से फिर बाहर निकलता है, तो उस मेडुला में उधर ना ये ब्लॉक होते हैं, क्लोनिडीन उधर जाती है उधर एक्ट करती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्टिंग। अब एंटी हाइपरटेंशन कैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन की रिडक्शन कम करवा रही है, तो मतलब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम नीचे हो जाएगा मतलब रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हार्ट स्टिमुलेट नहीं होगी और जो सारे मैकेनिज्म वो कम हो जाएंगे, तो ऐसे कहते हैं सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपर। अब देखें ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है, वैसे हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स कर रहे हैं मतलब वो ड्रग्स जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, बट क्लोनिडीन क्या करवा रही है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करवा रही है, तो ये मतलब इनडायरेक्टली ये है सिंपैथोलाइटिक ड्रग है। ठीक है, याद रखना है। ओके, उसके अलावा ये किस में यूज़ होती है, एक तो सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, उसके अलावा ये यूज़ होती है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी। ये जो सिंड्रोम है ये मोस्टली जो होता है ये बच्चों में होता है कि बच्चे जो है ना फोकस कर नहीं पाते, उनमें मतलब अटेंशन डिफिशेंट होते हैं, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, तो ये उनमें होता है मोस्टली मतलब 6 to 12 वाले एज में ना ये कॉमन होता है, तो उसमें ये यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम दूसरी भी ड्रग करते हैं जो इसके साथ ही होती है अल्फा टू सेलेक्टिव, वो भी उसको बोलते हैं हम गॉनफिसिन। ठीक है जी, ये दोनों इसमें ADHD में यूज़ होती हैं, ADHD। ठीक है, इसको बोलते हैं हम। उसके अलावा ये और भी इसका यूज़ है कि विदड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं, विदड्रॉवल सिम्टम्स ऑफ ओपीआई यूज एंड अल्कोहल। ठीक
ठीक है, जब हम ओपियाइड यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो उसको जब हम विदड्रॉ करते हैं तो उसके अलावा उसके बाद ना क्या होते हैं, सिम्टम हो जाते हैं, विदड्रॉल सिम्टम उनको बोलते हैं, वो उसमें बंदा हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो सिम्टम आते हैं, तो उनमें भी हम क्लोनिडिन करते हैं जैसे उनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करें तो इनमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो क्या हैं, अल्फा टू सेलेक्टिव क्लोनिडिन में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट लेथार्जी है, क्योंकि मतलब ब्रेन काम नहीं करेगा इतना, सेडेशन हो जाएगी क्योंकि नारेपिनेफ्रिन सीएनएस में कम हो रही है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है, एंड द जीरोस्टोमिया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इनको डिसकंटिन्यू करें तो उसमें एब्रप्ट डिसकंटिन्यूशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डिसकंटिन्यूएशन मस्ट बी अवॉइडेड टू प्रीवेंट रीबाउंड हाइपरटेंशन। अब रीबाउंड हाइपरटेंशन मतलब क्या, कि जब हम इस ड्रग को लीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हाइपरटेंशन दोबारा डेवलप हो जाएगा। अब देखें, क्योंकि अब बेसिकली ऐसे होता है कि जब हम मतलब नारेपिनिफ्रिन को इनहिबिट करवा रही ना, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसके रिसेप्टर पे क्या होता है कि उसके रिसेप्टर, अब वो रिसेप्टर कैसा मतलब वो न्यूरॉन क्या समझता है कि मतलब रिसेप्टर कम है शायद, इस वजह से मैं स्टिमुलेट नहीं हो रहा, तो वो अपरेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर करवाता है। जब अपरेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर होगी तो रिसेप्टर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बट कोई नारेपिनिफ्रिन है नहीं तो उसको एक्टिव कर नहीं सकती। तो जब भी अब फिर अगर हम उस ड्रग को क्लोनिडिन को मतलब डिसकंटिन्यू करवा रहे हैं तो नारेपिनिफ्रिन सडनली इंक्रीज़ होगी, जब नारेपिनिफ्रिन सडनली इंक्रीज़ होगी तो अब उधर रिसेप्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जब रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है, नारेपिनिफ्रिन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो हाइपरटेंशन और ज़्यादा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन के बाद जो है ना रीबाउंड हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक हो गया जी, अब ये था सारे अल्फा सेलेक्टिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है ना नॉन कैटेकोलामाइंस में, बट बीटा सेलेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।